कला भवन के सामने, जहां से आज ये प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है युवाओं के जरिए, वकीलों के जरिए। दरअसल मामला यह है कि त्रिपुरा की पुलिस ने दो वकीलों पर UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 तारीख को उन्हें पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है। ये दो वकील उस टीम में शामिल थे जो चार लोग गए थे, जो हालिया स्थिति थी त्रिपुरा में उसका मुआयना करने, वहां पे जो आगजनी हुई थी, जो कुछ भी हुआ था उसका उन्होंने मुआयना किया और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और उनकी रिपोर्ट में उन्होंने ये साफ किया था कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल जैसे जो संगठन थे उन्होंने इस पूरे मामले को उकसाया था और उनकी वजह से ये मामला हुआ था वहां पे त्रिपुरा में। एक आजाद मुल्क के लोग, जो इस मुल्क में हर एक व्यक्ति के पास बोलने का हक है, ये देश गांधी जी का देश है और सत्य के प्रति, सच्चाई के प्रति हमारे संविधान ने हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि सच ढूंढना और सच बोलना नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। हमने देखा कि त्रिपुरा के अंदर किस तरीके से टारगेट करके एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ, हमने देखा, संदर्भ दिया गया। हमने देखा कि उससे पहले जिस तरीके का बिल्डअप होता है, बहुत सारे दंगे इस देश ने देखा है और हमने देखा है कि दंगों से पहले मुसलमानों के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जाते हैं, वही त्रिपुरा के वायलेंस से पहले हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली बुलाया और ऐसे विश्व हिंदू परिषद और RSS के और जितने चेहरे हैं, ये जो कम्युनल ब्रिगेड है, राइट विंग ब्रिगेड, इनसे इनके जितने चेहरे हैं वो कोई रैली बुलाते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो नफरत वाली भड़काऊ भाषण देते हैं। और जो कमजोर तबका है, जो माइनॉरिटी रिलीजन है, जो मुसलमान है, उनके ऊपर टारगेट करके वायलेंस किया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये चीजें वाइडली रिपोर्टेड है। 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक त्रिपुरा में वायलेंस चला। उसके बाद जो सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, देश के जो नागरिक हैं, जो चिंतित हैं कि इस तरीके से एक राज्य में जिसको कहते हैं आप कोई आवाज बाहर जाने नहीं देंगे, त्रिपुरा में इससे पहले हमने देखा है जितने तरीके का राजनीतिक ऑपोजिशन है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, वो वामपंथी है, उनके ऊपर हमला हुआ। त्रिपुरा के एक एक्स चीफ मिनिस्टर, जो आदिवासी कम्युनिटी से पहला चीफ मिनिस्टर है, एकमात्र चीफ मिनिस्टर है, उनके मूर्ति को तोड़ा गया। इसके बाद जब एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पे गया दंगे के बाद, कॉमरेड मुकेश, वो मजदूर आंदोलन के साथ जुड़े हुए वकील है, वो और अंसार इंदौरी PUCL के एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के तहत, फैक्ट फाइंडिंग का मतलब है कि ग्राउंड में क्या हुआ है उसको पता करना और जनता को बताना, ये किसी भी नागरिक का अधिकार है और दायित्व है। फैक्ट फाइंडिंग टीम में जाने के लिए बेसलेस एलिगेशंस लगा के अभी इन वकील साथियों के ऊपर UAPA और IPC के बहुत सारे सेक्शंस लगाए गए हैं। बोला जा रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कीजिए। हमने चैलेंज किया है, साथियों ने चैलेंज किया है कि जिस समय अगरतला में ये वायलेंस हुआ उस समय इन दोनों साथियों में से कोई भी अगरतला में मौजूद नहीं थे, इन्होंने ऐसा कुछ कभी कहा बोला नहीं जिससे जिसके साथ वायलेंस का दूर दूर तक कोई रिश्ता हो, और इनको कहा जा रहा है सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कीजिए। हम मांग करने आए हैं कि जो FIR दर्ज हुआ है वेस्ट अगरतला पुलिस ने, जो FIR दर्ज किया है वो और कुछ नहीं है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड साइलेंसिंग है, चुप कराने का कोशिश है कि फैक्ट फाइंडिंग, BJP रूल स्टेट में फैक्ट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद है और दंगा ही है, दंगा होगा लेकिन सच कोई नहीं बोलेगा, नफरत भड़काया जाएगा मुसलमान के खिलाफ लेकिन कोई सच नहीं बोलेगा। ये इस देश में ये होने का इजाजत हम नहीं देते हैं। हम अभी जिंदा है, यह आजाद देश है, यहाँ पे सांवैधानिक अधिकार लागू होते हैं, हम लड़ेंगे। हमारा मांग है UAPA और बाकी फर्जी केसेस मुकेश और अंसार इंदौरी पे वापस हो। UAPA कोई चावल नहीं है कि बांट रहे हो, जिसके ऊपर मर्जी चाहे आप UAPA लगा रहे हो। मैं अपना बात यहाँ पे खत्म करूंगी इस मांग के साथ कि ये जो फर्जी मुकदमे लगवाए गए हैं, इन फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए और
त्रिपुरा सरकार इस बात को जान जाए, ये मत सोचिए कि वहां पे आप जो मन चाहे करते रहेंगे, कोई बोलने के लिए नहीं है। त्रिपुरा के अंदर भी अपोजिशन है, त्रिपुरा का जनता आपके खिलाफ लड़ रहा है, जिसके ऊपर लाठी आप चला रहे हैं, जिनके ऑफिस को आप आग लगा रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। त्रिपुरा के अंदर जनता लड़ रही है, त्रिपुरा के बाहर दिल्ली में, देश के तमाम सारे जगह में लोग देख रहे हैं। हम त्रिपुरा के साथियों के साथ हैं और ये फर्जी मुकदमे आपको वापस लेना होगा। यूएपीए जैसा कानून उसका लोकतंत्र में कोई जगह नहीं, यूएपीए को वापस लेना होगा। यूएपीए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। कि यूएपीए जैसा ड्रेकोनियन कानून, एक ऐसा कानून जिसकी हम लोग तब से निंदा कर रहे हैं जब से वो इस देश में आया था ब्रिटिश राज में, ऐसा कानून बार बार उन लोगों पे उन लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, ऐसे लॉ से उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार जिस तरीके का वायलेंस बीजेपी के नेता परपेट्रेट कर रहे हैं, आरएसएस के, वीएचपी के, बजरंग दल के अलग अलग लीडर्स परपेट्रेट कर रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में, उन पे जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, उसकी असलियत सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब पे यूएपीए लग रहा है। त्रिपुरा वायलेंस के ही केस में एक कॉमरेड है सज्जद करगिली, जो करगिल में रहते हैं, और वहां से वो सिर्फ एक ट्वीट करते हैं कि त्रिपुरा में जिस तरीके का वायलेंस हो रहा है वो कंडेमनेबल है, वहां पे मुस्लिम्स का जिस तरीके से घर दुकान जलाई जा रही हैं, उनकी जाने जा रही हैं, वो कंडेमनेबल है, वो ये ट्वीट करते हैं। और जिस तरीके के बार बार वीडियो एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि वीएचपी की रैली निकल रही है और उसमें एकदम साफ इस्लामोफोबिक नारे लग रहे हैं, इस तरीके के एविडेंसेस सबके सामने हैं। और इस केस में जब ऐसे एक्टिविस्ट्स और लॉयर्स देश के अलग अलग कोने से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि मीडिया में कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा है, कोई इसके बारे में सुनना नहीं चाह रहा है, दिखाना नहीं चाह रहा है, लिखना नहीं चाह रहा है, ऐसे एक्टिविस्ट जब इस बात को लोगों के सामने लेके जाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उनको पुलिस का समन आ जाता है। इसी तरीके से कॉमरेड सज्जद को भी पुलिस का समन आया, जहां पे करगिल के तमाम जो डेमोक्रेटिक एसोसिएशंस है, प्रोग्रेसिव एसोसिएशंस है, उन्होंने उसको कंडेम किया। तो पुलिस अब खुद सदमे में है कि वो समझ नहीं पा रही है, कंफ्यूजन में है कि जो उन्होंने समन्स भेजा सज्जद कॉमरेड सज्जद को, वो किस लिए भेजा, तो वो उनको भी नहीं पता है कि वो क्यों समन्स भेज रहे हैं। इसी तरीके से कोर्ट जब अपने जजमेंट्स में या जो ट्रायल है उसमें ये बात कह रहे हैं कि आपने यूएपीए लगा दिया है, सेडिशन का चार्ज लगा दिया है, लेकिन आपने कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया है, इसी तरीके का कंफ्यूजन हम तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में भी देखते हैं, चाहे वो दिल्ली में जो दंगा हुआ उसके इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस में देखें, चाहे वो उमर खालिद के केस में हम लोग देखें, चाहे वो नताशा नरवाल के केस में देखें, हर केस में लॉ को, लॉ जो कि बना था लोगों को इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो बना था, ताकि सब लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक्सरसाइज किए जा सके, चाहे ताकि सब लोग अमन और शांति से रह सके, उन्हीं लॉज को ट्विस्ट करके हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हम ही लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सके। ऐसी तमाम कोशिशों को हम लोग आज कंडेम करते हैं, और अगर इस सरकार को इस बात से प्रॉब्लम है कि हम लोग ये सड़कों पे आकर कहते हैं, अपने सोशल मीडिया से कहते हैं कि बीजेपी के लीडर्स इस तरीके का कम्युनल वायलेंस परपेट्रेट करते हैं, तो आज हम लोग दिल्ली के बीचों बीच सेंट्रल दिल्ली से ये कहेंगे, कल हम लोग इंडिया गेट से कहेंगे कि बीजेपी के लीडर्स इस तरीके का वायलेंस परपेट्रेट करते हैं, हम लोग कहेंगे कि आरएसएस के नेता साफ तौर पे मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड फैलाने के लिए भाषण देते हैं, हम लोग कहेंगे दिल्ली से, तमाम देश के कोने से, तमाम यूनिवर्सिटी से हम लोग कहेंगे, कोर्ट्स के अंदर से हम लोग कहेंगे कि ये जो सरकार है ये साफ तौर पर मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, और इसकी तमाम कोशिशें हम लोगों को चुप कराने की इसी तरीके से नाकामयाब होंगी। बार बार हम लोग यहाँ पे आएंगे इन्हीं सड़कों पे, जिन सड़कों पे हम लोग को चुप कराना चाहते हैं, चाहे वो लाठी से हो, चाहे वो यूएपीए से हो, और हम लोग कहेंगे कि इस तरीके की हर कोशिश उनकी नाकामयाब रहेगी। हम लोग कॉमरेड मुकेश के साथ यहाँ पे खड़े हैं, एडवोकेट अंसार इंदौरी के साथ हम लोग खड़े हैं, और उन पे जो यूएपीए लगाया गया है उसको तुरंत उनको वापस लेना होगा, और त्रिपुरा में जो एक्चुअली लोग इस तरीके का कम्युनल वायलेंस परपेट्रेट कर रहे हैं, वहां पे जो इस्लामोफोबिक नारे लगा रहे हैं, मुसलमानों के विरोध में नारे लगा रहे हैं, उन सबको, उन सबके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी होगी, उन सबको सजा दे